सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं MG ZS EV के बारे में। कैसी चलती है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या रेंज है और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सबको अच्छे तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। दिल्ली से देहरादून का हमारा जो सफ़र है, इसके अंदर हमने इस गाड़ी को अच्छे तरीके से टेस्ट करा, एक्सपीरियंस करा, स्पीड टेस्ट करने से लेके बाकी सारे के सारे जो फैक्टर्स थे उनको अच्छी तरह समझा और आप लोगों के सामने अब हम पेश करते हैं। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। 176.75 PS पावर और 280 NM टॉर्क का जो मज़ा है वो अब आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाते हैं। सो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले, जब तक हमारी कार चार्ज हो रही है तब तक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी व्हीकल का, उसमें होने वाला स्पेस। क्योंकि आप लॉन्ग ड्राइव भी जाओगे, शॉर्ट राइड भी जाओगे, तो सबसे पहले हम गाड़ी के अंदर जितना भी स्पेस है उसके बारे में बात करते हैं। इस वक्त हम दिल्ली से देहरादून आए हैं ड्राइव करने के लिए MG ZS EV को। तो सबसे पहले आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपने ओपन करा और बूट आपका देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक फुल साइज़ का यहाँ पर एक बैग रखा हुआ है, उसी के साथ में एक 60 लीटर का मेरे पास एक रैकसैक है, दो कैंपिंग चेयर है और उसके बाद में भी यहाँ पर मेरे पास इतना सारा स्पेस बच रहा है जिसमें मैं छोटी मोटी और चीज़ें रख सकता हूँ। उसी के लेफ्ट हैंड साइड जब आप देखते हो तो यहाँ पर मेरे पास रिकवरी टूल्स जो होते हैं, वो थोड़े बहुत रेस्क्यू टूल्स जिसे कहते हैं ना रिफ्लेक्टर वगैरह, वो रखे हुए हैं। और इस तरह बहुत सारी मेरे पास और जगह जिसके अंदर अगर मैं रखना चाहूँ तो मेरा और सामान रख सकता हूँ। वैसे ही राइट हैंड साइड जब आप देखते हो तो इस लैपटॉप बैग के पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को मिलता है जिसमें लैपटॉप बैग और जो छोटा चार्जर है वो रखा हुआ है। मैं छोटा चार्जर भी दिखा देता हूँ। तो ऑल दो स्टैटिक का जो चार्जर है वो बहुत टाइम पर हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है, पूरे रास्ते हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अलग से हम चार्जर के ऊपर वीडियो बना देंगे जिसके अंदर किस प्रकार से चार्जिंग करनी है। और ईवी अगर आपके पास में व्हीकल है उसको लेकर अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हो तो किस प्रकार से आप चार्जर ढूंढोगे, चार्जर की क्या कॉस्ट है, मतलब चार्जिंग की क्या कॉस्ट है। और साथ में अगर आपको कोई मिथ हो या आपको लगता है कि यार ये सवाल तो मुझे जोजो से पूछना ही चाहिए चार्जिंग से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में प्लीज़ मुझे पूछिएगा। उसी के साथ में यहाँ पर ना आपको एक छोटा सा चार्जर मिलता है इस प्रकार से दिखने वाला, और ये जो चार्जर है ये बेसिक ये मान सकते हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको कहीं पर भी चार्जर नहीं मिल रहा, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो और आपको चार्ज करना है तो आप इस चार्जर से चार्ज कर सकते हो। ऑल्दो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, पर फिर भी आप समझ रहे हो ना कि अगर आपको ये हल्का सा डर हो कि मेरी गाड़ी कैसे चार्ज होगी, तो उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको एक ट्रंक में लाइट मिल जाती है जिसकी वजह से रात को सामान निकालना और रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक हैंडल आ गया, ये हम करते हैं इसको यहाँ से बंद। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी साइड में और बाकी स्पेसेस। तो जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे ही यहाँ पर 2-2 और 1-1 लीटर, ये कितने लीटर की है मैं देख लेता हूँ। सो ये 1 लीटर की बॉटल है, ये 1 लीटर की बॉटल है। सो यहाँ पर हमारे पास में 2 लीटर स्पेस हो गया। उसमें यहाँ पर भी हमारे पास और बहुत सारी जगह जिसमें हम छोटा मोटा और सामान रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा कभी स्पेस हो गया जिसमें कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। और जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही आपके पास में यहाँ पर भी सामान रखने के लिए थोड़ा सा कभी स्पेस है हैंडल के अंदर। और यहाँ पर भी आप छोटी मोटी जो 500 ml जैसी बॉटल है, ये 1 लीटर की एक बॉटल हमने खाली से ले रख रखी थी ताकि आप लोगों को दिखा सकें, और यहाँ पर 500 ml की दो बॉटल रखी जा सकती है। अंदर की तरफ हमने बहुत सारा सामान फैला रखा है। अब जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर भी आपके पास में स्पेस है जिसमें आप बेसिकली ना पार्सल ट्रे पर वो सामान रख सकते हो, जो कि जैसे ये हो गई, ये यहाँ भी हमने गिरा रखा है, नहीं तो ये भी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर रखी जा सकती है। सो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं MG ZS EV का ड्राइव एक्सपीरियंस। 99% हमने गाड़ी को चार्ज कर लिया है और 99% चार्ज करने के साथ ही अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस वक्त मुझको यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं नॉर्मल में बात करूं तो 335 किलोमीटर की मुझको रेंज मिल रही है। अगर मैं इको स्पोर्ट्स की बात करूं तो 301 किलोमीटर की मुझको रेंज मिल रही है। और अगर मैं इसके अंदर इको की बात करूँ तो इको के अंदर 352 किलोमीटर की मुझको रेंज मिल रही है। तो ये तो रहा रेंज का एक्सपीरियंस। अब क्या होगा, जब हम पहाड़ों में चलते हैं
तो हम एग्जैक्ट रेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पहाड़ों के रास्ते में आपको रुकना भी पड़ता है और साथ में आगे पीछे भी होना पड़ता है। तो अलग से ना जब हम हाईवे पे चलेंगे उस वक्त आई ट्राई कि हम एक अलग से कंटेंट बनाएं जिसके अंदर हम ये सारी बात कर रहे हो कि किस प्रकार से आप बेस्ट ऑफ बेस्ट अपनी कार की रेंज ले सकते हो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक लगाया, यहाँ से डाला डी के अंदर इसको, और अब चलाना शुरू करते हैं। और साथ के अंदर आपको बताते हैं MG ZSEV के ऑल ओवर एक्सपीरियंस के बारे में। सो गाइस देखो, मैं इसको चला चुका हूँ। अब हुआ क्या कि मैं जब दिल्ली से इसको ड्राइव करना मैंने स्टार्ट करा, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि आप रात को गाड़ी चलाते हो तो आप शूट भी नहीं कर सकते। सेम टाइम इसको चलाने का जो मज़ा है वो इतना अलग था कि मैं जाते वक्त हाईवे पर ना कोई कॉन्टेंट बना ही नहीं पाया। मेरे को ऐसे लगा कि यार मैं जितनी चला लूँ उतनी कम है। अब जिस मसूरी वाली रोड पर मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से जहाँ पर भी मैं इसको चला रहा हूँ वहाँ पर मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप समझते हो ना, इंस्टेंट आपको अगर दौड़ानी होती है तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको है ना दौड़ाकर बिल्कुल गोली हो जाती है। 8.2 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 कवर कर रही है, और देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर मैं बात करूँ, और ये वाली रेंज भी जो मैं बात कर रहा हूँ स्पीड वाली, ये आपको स्पोर्ट्स में मिल रही होती है। ऑल दो आपको इको से ही पावर फिगर बहुत अच्छा मिलने लग जाता है, मगर जो कहते हैं ना क्रेजी पावर, वो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स में मिल रहा होता है। ब्यूटीफुल वेदर और सारी की सारी जो विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अब हम क्या करते हैं, हम थ्रॉटल शॉटल जो कैफेटेरिया है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सो थ्रॉटल शॉटल करते हैं पार्क। और आपको बेसिक इसके 360 कैमरा और पार्किंग सेंसर्स जो है उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस देते हैं। थ्रॉटल शॉटल कैफेटेरिया हमारे भाई लोगों का ही है, सो दिल्ली के अंदर भी है, देहरादून के अंदर भी है। और अलग से किसी दिन अगर आप हमें कमेंट करोगे तो हम इस कैफेटेरिया के ऊपर भी आपको एक ड्राइव एक्सपीरियंस बताएंगे। मतलब ड्राइव एक्सपीरियंस क्या, मतलब ड्राइव करते हुए वहाँ का एक्सपीरियंस बताएंगे। थ्रॉटल शॉटल कैफेटेरिया जो अपन जैसे पेट्रोल हेड्स जैसे लोग जो होते हैं जिनको कारों का बाइक्स का शौक होता है, उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइंड एक कैफेटेरिया है। तो जब उतरते हैं और आप लोगों को बाकी फीचर्स ZSEV के जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा और एक्सपीरियंस कराते हैं। सो दोस्तों, ढंग से गाड़ी चलाना और पहाड़ों में तो स्पेशली चलाने के लिए जो आपको बेसिक सारी की सारी नेसेसिटी होती है वो होती है, जैसे पीछे की तरफ यहाँ एक पार्किंग सेंसर है, एक पार्किंग सेंसर यहाँ है, एक पार्किंग सेंसर यहाँ है, उसी के साथ में 360 कैमरा मॉड्यूल जो है उसका रियर मॉड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है। ORVM के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर आपके कैमरा मॉड्यूल लगाओ, इसको साफ़ कर लेते हैं भाई लोगों, बहुत ऑफ रोडिंग हो गई हमारी। और उसी प्रकार से फ्रंट के अंदर भी आपको एक कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे मैं पहाड़ों में इन रस्तों पे यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे कहीं पर भी पार्क करनी होती है तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाती है। उसी के साथ में कोने के अंदर भी अगर मैं मेरी गाड़ी लेकर चल रहा होता हूँ तो प्रॉपरली उसको लगा सकता हूँ, और आगे पीछे का है ना मुझे एक अंदर से ही अंदाज़ा हो रहा होता है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको ड्राइवर और को पैसेंजर साइड दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि मैं इधर से भी मेरी गाड़ी को एक्सेस कर सकता हूँ, देखो लॉक हो गई, और इधर से ही मैं उसको वापस अनलॉक कर सकता हूँ। चाबी मेरी पॉकेट में है, अब चाबी के अंदर आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का बटन मिलता है, मगर आराम से चाबी को पॉकेट में रखो और जब भी आपको कुछ भी काम हो तो लॉक कर लो। जैसे आप लॉक करते हो वैसे ही ORVM अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, और अनलॉक करना हो तो अपने आप बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो आराम से अनलॉक करो, और अगर कोई भी चीज़ अंदर से एक्सेस करनी है तो आप कर सकते हो। पहाड़ियों में जब हम घूम रहे हैं तो हमने MG ZSEV का एक और बहुत अमेजिंग जो चीज़ हमें महसूस हुई वो ये थी कि एक तो इसके अंदर हिल असिस्ट आपके पास में फंक्शन आता है, जिसके साथ में जब आप पहाड़ियों से नीचे उतर रहे होते हो तो आपको असिस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती है। सेम टाइम पे स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इस पूरे के पूरे टेरेन पे चलने के लिए। हाईवे पे तो देखो मैक्सिमम ये गाड़ी हमें ऐसी लगी कि है, होता है ना कंफर्टेबल है, मगर जब मैंने इसको पहाड़ों में चलाया तो इसका एक्सपीरियंस और अच्छा हो गया। देखो मेरा पैर पूरा का पूरा ऊपर है, मगर फिर भी मेरी गाड़ी बहुत स्पीड में नहीं जा रही है क्योंकि इस वक्त ये रीजनरेशन कर रही है और मेरी जो बैटरी है वो थोड़ी बहुत चार्ज वापस हो रही है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो अच्छा है वो ये है, क्योंकि इस कार के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलते हैं तो आपको ना कहीं पर भी मोबाइल होल्डर जैसी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर ना आपके पास में 27.5 सेंटीमीटर की जो स्क्रीन है इसमें आपका पूरा का पूरा मैप दिख रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। कहीं पर भी जहाँ आपको जाना हो वहाँ पर ये बहुत अच्छा एक्सेस दे रहा होता है। सेम टाइम
इंटरनेट इनसाइड जो है उसका देखो फायदा तो है ही। कई बार मुझे जब भी चार्जर ढूंढने की जरूरत पड़ी तो मैंने इसके थ्रू भी रिकमेंडेशन लिया, जो कि एक बहुत अच्छा मेरे लिए पॉइंट था। अब ड्राइव करते करते हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और फिर दिखाते हैं आपको कोई और नई जगह। सो दोस्तों, MG ZACV चलाते चलाते हमने सोचा कि हम पीछे वाली जो सीट है उस पर बैठकर और आपको पीछे का एक्सपीरियंस भी बताएं, और साथ में जो मसूरी में ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसका मजा तभी ले सकते हो जब आपके पास में ड्यूअल पैन पैनोरामिक सनरूफ हो। तो उस सनरूफ को खोलकर ठंडी ठंडी हवा का लुफ्त का एक्सपीरियंस हमने सोचा हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि आपके पास में तीनों जो हेडरेस्ट है वो ऊपर और नीचे एडजस्टेबल है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। सेंटर वाला हेडरेस्ट थोड़ा सा छोटा है पीछे वाले बड़े साइज के, उसी के साथ में ग्लासेस की जो साइज है वो बहुत वाइड है, तो वाइड ग्लासेस होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होती, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ग्लासेस है जिसके वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। जब आप आगे की तरफ यहाँ देखोगे तो आप देख सकते हो कि सनरूफ की बहुत अच्छी साइज आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से राजस्थान में तो दोपहर को नहीं मगर मसूरी में तो आप इस ठंडी ठंडी हवा का लुफ्त उठा ही सकते हो। आगे की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो बहुत ही अच्छा मेरे पास में लेग रूम है और अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, सीटों का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमारे पास में रेयर के अंदर भी AC वेंट मिलती है, जिसकी वजह से अगर पीछे की तरफ आपको AC चाहिए तो अच्छी खासी हवा आ रही होती है। नीचे की तरफ दो चार्जिंग पोर्ट मिल रहे होते हैं ताकि पीछे की तरफ अगर मैं बैठा हूं तो आराम से सारी चीजें चार्ज हो जाए। और उसके साथ में वहां पर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले में मैप चलाने की वजह से किसी आगे बैठने वाले को नेविगेट भी करने का बहुत सारा इशू नहीं होता। नीचे यहां पर हमारे पास मैगजीन होल्डर मिल जाता है जिसमें आप छोटे मोटे सामान रख सकते हो, और यहां पर भी आपके पास में स्पेस है दोनों तरफ जिसमें बॉटल और बाकी चीजें रख सकते हो। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमारे पास और खूब सारा स्पेस मिल जाता है जिस पार्सल ट्रे पे मैं सामान वगैरह रख सकता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ आइसोफिक्स सीट माउंट मिलता है कि अगर कोई छोटा बच्चा बैठे पीछे की तरफ तो उसके लिए आप सीट माउंट लगा सकते हो। और हैंडरेस्ट की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम आपको हैंडरेस्ट मिल रहा होता है। अब इतना खूबसूरत हैंडरेस्ट कुछ ही कारों में आपको देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपके पास में थोड़ा स्पेस है जिसमें आप ग्लास वगैरह भी लगा सकते हो और ग्लास होल्डर का प्लेसमेंट भी बहुत सही तरीके से है। सो दोस्तों, एक तो हैंडरेस्ट जो है उसके ऊपर कवर लगा हुआ आता है जिसकी वजह से आप जब हाथ रखते हो तो प्रॉपरली आप हाथ रख रहे होते हो, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल आपका हाथ नहीं हो रहा होता। और जब आप इस तरफ देखते हो तो कार्बन फिनिश में आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल, तो जब ये वाला हाथ आप रख रहे होते हो तो प्रॉपरली यहाँ पे प्लेसमेंट आपका हो रहा होता है। सेम टाइम पर यहाँ पर वन टच आपका डाउन है, तो जैसे आप वन टच करते हो वैसे ही खिड़की खुल जाती है। अगर बंद करना हो तो वन टच अप नहीं है, आपको मैन्युअली इसको अप करना होता है, जिसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वन टच डाउन होना इज अ गुड थिंग। और देखा जाए तो जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है MG ZACV का वो अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, और स्पेशली अगर पहाड़ों की बात करूँ ना तो पहाड़ों में तो इस गाड़ी से मुझे ऐसे लगा है जैसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होता कि आपका हर जगह चलने का, कि आप ऊपर की तरफ हो तो आप चिल्लो, आपके साथ वाले लोगों को आप ये कह रहे हो कि भैया आप आराम से निकल जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गाड़ी में 360 कैमरा है, मुझे अच्छी तरीके से दिख रहा है, आप अपने हिसाब से अपनी तरफ जितना भी आगे आना चाहो आ सकते हो। क्योंकि आप जानते हो ना पहाड़ों के अंदर बहुत सारे वो लोग भी गाड़ियां चला रहे होते हैं जो बिल्कुल नए ड्राइवर हैं, तो उन लोगों के लिए 360 कैमरा, इलेक्ट्रिक कार जो कि पीछे की तरफ ना जाए, ऑन इंस्टेंट आप कैसे भी एक्सेलरेट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा एक फीचर मुझे लगा। अभी जस्ट एक कार का मैंने ऐसा एक्सपीरियंस देखा है कि वो भैया ना कोशिश कर रहे हैं अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करने की, मगर होता है ना यार कंबशन इंजन की लिमिटेशंस है, तो यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो चलो गाइज, अब मैं वापस एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत व्यू और आपको भी इधर से दिखा दूँ। सो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी हिल एरिया आपको देखने को मिल रहा होता है, एंड बिलीव मी गाइज अगर आप मुझे बोलोगे तो ये जो एक्सपीरियंस है इसी के ऊपर एक जल्दी से ही कोई और अमेजिंग कॉन्टेंट बनाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक ट्रैवल व्लॉगर भी बन जाऊँ क्या मैं? तो कमेंट करके बताना, अगर आप बोलोगे तो हम ट्रैवल व्लॉग भी बनाना शुरू कर देंगे। अब चलिए आगे बैठते हैं को पैसेंजर साइड और जानते हैं कि वहां पर बैठने का कैसा एक्सपीरियंस है। सो दोस्तों, पहाड़ों में गाड़ी चलाते चलाते आगे बैठने के बाद में हम पीछे वाली जो सीट है वहां पर भी बैठे और अब आ चुके हैं हम को पैसेंजर साइड।
सो आप जानते हैं को पैसेंजर साइड MGZSEV में क्या सारी की सारी चीजें जो आपको अवेलेबल हो रही होती है। तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस है वो है सीट का। सो आगे और पीछे दोनों की जो नो सीट जो है वो बकेट फिनिश होने की वजह से पहाड़ों में जब आप चल रहे होते हो तो आप इधर उधर हिल रहे नहीं होते हो, जिसकी वजह से आप और ज्यादा जैसे कहते हैं ना पकड़ी हुई सीट वैसी वाली फीलिंग आपको मिल रही होती है। टू पॉइंटर सीट बेल्ट होने की वजह से आप और ज्यादा सेफ अपने आप को महसूस कर रहे होते हो। कार में आपको 6 एयर बैग्स मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसके अंदर आपको ऐसे लगता है कि हाँ यार होता है ना थोड़ी और ज्यादा सेफेस्ट आपको मिल रही होती है। अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी आपको मिलते हैं गाड़ी में 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर, जिसका साउंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि कॉपीराइट वाला नाटक है। तो अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे और रील बनाएंगे, आप हमारी सोशल मीडिया पे जाकर वहां पर देख सकते हो, सुन सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक डिटेल्ड व्लॉग बनाएंगे नॉन कॉपीराइट जो म्यूजिक आता है ना उसके साथ में, ताकि आप लोगों को एक स्पीकर की सेटिंग्स और साथ के अंदर स्पीकर के प्लेसमेंट के बारे में और हम डिटेल्ड में बता सके। जब आप यहाँ देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले कार्बन फिनिश आपको जो डैशबोर्ड है वो रैप्ड मिलता है, बहुत ही अच्छा। ये आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल है, ऊपर की तरफ यहाँ पर भी है, ये आपका पूरा रबर है और उसके साथ में ये आपका कुछ फैब्रिक है। सिल्वर लाइन के साथ में इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। कोने पर यहाँ पर एसी वेंट का आपका प्लेसमेंट, जिसको आप यहाँ से खोल और बंद सकते हो। ये जो है एंगल, इसको आप अपने हिसाब से एंगल सेट कर लो जो भी आपको पसंद है। यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपके पास में यहाँ पर भी हाथ रखने वाली जो जगह है यहाँ पर आपको एक मटेरियल जो सॉफ्ट टच मटेरियल है वो मिलता है। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, बहुत अच्छी विंडशील्ड मिलती है जो कि वन टच और वन टच जिसे डाउन कर सकते हो। अब अगर आपको करना है तो अपार्ट फ्रॉम ड्राइवर आपको वन टच अप नहीं मिल रहा होता, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाता है वैनिटी मिरर। बस यहाँ पे वैनिटी लाइट जो है वो थोड़ी सी मिसिंग हो रही होती है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा आपकी अच्छी विजिबिलिटी देखने को आपको मिल रही होती है। कोने पर यहाँ पर ग्रैब हैंडल आपको मिलता है एक छोटा सा। अब ये ग्रैब हैंडल इसलिए फायदेमंद है कि ऐसे उबड़ खाबड़ रस्तों में एक ग्रैब हैंडल होना बहुत अच्छी बात है ऑफ रोडिंग कार्स के अलावा। और ये जो ग्रैब हैंडल है इसके अंदर भी यहाँ पर ये रैप्ड आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले आप देख सकते हो, अच्छी खासी स्क्रीन और इनसाइड जो इंटरनेट है, इंटरनेट इनसाइड, उसकी वजह से और ज़्यादा ये प्रैक्टिकल हो जाती है। अब ये रही यहाँ की बातें, नीचे की तरफ बात करूँ तो मेरे पास अच्छा खासा नीचे की तरफ यहाँ पर लेग रूम मिल रहा होता है, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और ग्लव बॉक्स की मैं बात करूँ तो अच्छा खासा डिसेंट बड़ी साइज का आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें बहुत सारे यूटिलिटी के आप सामान रख सकते हो। तो दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है फ्रंट को पैसेंजर के लिए, और यहाँ पर आपके पास में थोड़ा कबी स्पेस है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। नीचे और कबी स्पेस है जिसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हो। बीच में अच्छा खासा स्पेस होने की वजह से इन सारी चीज़ों का एक्सेस जो है वो बहुत आसान होता है। जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आगे से भी यहाँ से ही आपकी सनरूफ दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंटीरियर जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खुला खुला हो। और ऐसे पहाड़ी इलाकों में तो इस इंटीरियर के साथ में, मतलब इस पूरी सनरूफ के साथ में जो एक्सपीरियंस है वो और ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। तो आई रियली विश जल्दी ही हम MGZSEV को लेकर लेह लद्दाख जाएं। और लोगों का बहुत बड़ा जो एक कन्फ्यूजन है कि EVs आर ओनली मेड फॉर सिटी पर्पज़ या वहाँ पर जहाँ पर आपको जगह जगह पर चार्जर मिल जाता है, तो अगर आप प्लान करो तो आप MGZSEV को लेकर लेह लद्दाख भी तो जा सकते हो। सो बहुत सारे लोग जो EV के बारे में बात कर रहे होते हैं वो एक टर्म यूज़ कर रहे होते हैं कि सिंगल पैडल ड्राइव। सो दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक मैं गाड़ी पूरे मसूरी की वादियों में घुमा रहा हूँ और पहाड़ों के रास्ते चला रहा हूँ, और ये सिंगल पैडल जो ड्राइव है इसका बहुत ही ज़्यादा मुझको फ़ायदा मिल रहा है, जिसके अंदर जो लेफ्ट वाला फुट है ऑटोमेटिक कार में वैसे भी आपका तो कम्फर्टेबल रहता है, राइट फुट से आपको ब्रेक और एक्सीलरेटर पैडल प्रेस करना पड़ता है। मगर इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन अगर मैं फुल रखता हूँ तो उस केस में होता क्या है कि जैसे ही मैं टर्न पर गया, मैंने एक्सेलरेट करा, मुझे स्लो होना है, मैं जैसे ही ब्रेक एक्सेलेटर छोड़ रहा हूँ वैसे ही मेरी गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो रही है। यहाँ पर आगे की तरफ बटन आता है रीजनरेशन का, KERS करके। सो उससे क्या कर सकते हो आप, 1-2-3 मोड है, आप उसको सेट कर सकते हो। अब रोड पर तो इससे फ़ायदा ये है कि मेरी बैटरी रिचार्ज हो रही होती है तो उससे फ़ायदा है, मगर जब मैं इन पहाड़ों के अंदर इस पूरे मोड को यूज़ कर रहा हूँ
तो मेरे लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया कि मैंने सोचा कि ये वाली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आगे की लाइटों की रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एलईडी होने की वजह से अच्छी है, मुझे प्रॉपरली रोड पर पूरा का पूरा विजिबिलिटी दिख रही होती है। बस दोस्तों ध्यान ये रखना चाहिए कि पहाड़ों में हाई बीम करके आप मत चलो। और अगर केबिन लाइट की भी आप बात करो ना, तो रीडिंग लाइट, केबिन लाइट कुछ भी बोल दो, एलईडी और इसका थ्रो आप देख सकते हो कि मैं इस वक्त इसी लाइट के अंदर अपना वीडियो बना रहा हूँ। सो ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और अमेजिंग होता जा रहा है। यहाँ पर हमने सारी की सारी पहाड़ों के अंदर जो ड्राइव एक्सपीरियंस है इसकी बात करी। अब हम सीधे के सीधे जो नॉर्मल रोड्स आती है वहाँ पर इसका ड्राइव करेंगे और उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि स्ट्रेट रोड्स हाईवे पर इस कार का, जो कि MG ZS EV है, उसका एक्सपीरियंस हमको कैसा लगा। सो जब हम छोटे थे तो हम जयपुर में नारगढ़ वाला जो जोन है वहाँ पर स्कूटी लेकर जाते थे, और उतरते वक्त क्योंकि हम थोड़ा सा फ्यूल बचाना चाहते थे तो हम क्या करते थे, हमारी स्कूटी को ना ऑफ कर देते थे। और उसकी वजह से होता क्या था कि जाते वक्त तो हमारा बहुत सारा फ्यूल लगता था पर आते वक्त बिल्कुल भी फ्यूल कंजप्शन जो होता था वो नहीं होता था। सेम टाइम जो हमारी कंबशन इंजन वाली कार्स हैं इनमें ये वाला प्रोसेस हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कार की सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएंगे जिसकी वजह से उसका पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक्स काम नहीं करेंगे। बट गाइज ये वाला जो फिनोमेना था ये मैंने एक्सपीरियंस करा MG ZS EV के अंदर, कि मैं मसूरी से अभी नीचे उतर रहा हूँ और कार ऑन भी है, चल भी रही है, नीचे की तरफ मैं जा भी रहा हूँ, मगर जब से मैं ऊपर से नीचे की तरफ आधे रास्ता कवर कर लिया ना, तब से इसका ना 53% बैटरी 53% ही रह रही है। और उसका रीज़न है रीजनरेशन मोड। सो क्योंकि इस वक्त मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेरा रीजनरेशन मोड है, जैसे मैं थोड़ा सा अभी नॉर्मल आ रहा हूँ वैसे ही, मैं देखो हल्का सा जूम इन करके दिखाता हूँ, इस वक्त मेरी कार जो है रीजनरेशन मोड में चल रही है। और रीजनरेशन मोड में चलने की वजह से मैं जैसे भी पहाड़ से नीचे उतरूं वो बैटरी को चार्ज ही करेगा। सो ये जो छोटे छोटे फैक्टर है ना, इन फैक्टर्स ने ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत ही अलग लेवल का कर दिया है मेरा MG ZS EV के साथ में। और हालांकि मुझे अंदाज़ा था, पर इतना ज़्यादा अंदाज़ा था, बस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या मालूम ये 53 से 54 भी हो जाएगी नीचे उतरते वक्त, तो ये वाला तो नहीं हो रहा। मगर जब से मैं मतलब 10-15 किलोमीटर्स में अभी तक चला चुका हूँ, मगर लास्ट 15 किलोमीटर्स से मेरी गाड़ी की बैटरी 53 मींस 53 ही रह रही है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे जैसे आप ड्राइव करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को MG ZS EV के बारे में बताते जाएंगे। सो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम मसूरी से देहरादून की तरफ जा रहे हैं और हमारी कार की जो बैटरी है 53 पे रह रही है, मगर ऐसा नहीं, नीचे उतरते वक्त जब हमने पूरे टाइम रीजन चालू रखा तो 53 से हमारी 55 बैटरी हो गई। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप जो व्हीकल लेकर नीचे उतर रहे हो उसके बाद में आपके फ्यूल टैंक में थोड़ा सा फ्यूल और भर रहा है, तो 55% हो चुके हैं। जहाँ से हम देहरादून में से ऊपर की तरफ गए थे वहाँ पर ही हमें वापस स्टैटिक का चार्जर जो था, जिससे पहले हमने इसको चार्ज करा था, वो हमें फिर से मिल गया। तो हमने सोचा कि ये बहुत फास्ट भी है, प्रॉपर आपको सर्विस भी दे रहा है, तो यहीं से ही चार्ज करके चलते हैं। स्टिल हमारे पास में 216 किलोमीटर की यहाँ पे चार्जिंग है, अभी भी मतलब रेंज है गाड़ी के अंदर, पर फिर भी हम हमारी कार को 100% चार्ज करके ही आगे की तरफ जाएंगे। सो दोस्तों मसूरी से हम आ चुके हैं नीचे की तरफ, ऋषिकेश की तरफ। सो हाईवेज जो है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाईवेज पे ZS EV जो है MG की, इसका कैसा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले एक तो सेंटर ऑफ मास इस गाड़ी का नीचे की तरफ है, पूरा बैटरी पैक नीचे की तरफ है और उसी के साथ के अंदर जो मोटर्स और बाकी कंपोनेंट्स है वो भी नीचे की तरफ है। अब इससे होता क्या है, आपकी गाड़ी का सेंटर ऑफ मास नीचे होने की वजह से कार बहुत ही ज़्यादा स्टेबल चल रही होती है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि आपको पॉट होल्स में बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता जैसे आपकी ना बहुत हार्श ड्राइविंग हो। अगर बात करूं उसके अलावा और फैक्टर्स की, तो एक तो ना स्टेयरिंग बहुत ग्रिपी, अभी मैं आपको स्टेयरिंग दिखाता हूं, और कोने पर आपको यहां पर 360 कैमरा जैसे सारे फीचर्स होने की वजह से आपका ड्राइव कम्फर्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। आप ये सोचो जैसे आप टर्न लिया, आपने इंडिकेटर दिया, वैसे ही आपको प्रॉपर ये रास्ता दिखा रहा होता है। इसी के अलावा एडास जैसे फीचर्स इसमें मिल रहे होते हैं। जब आप स्टेयरिंग देखते हो तो एक तो स्टेयरिंग बहुत ही ज़्यादा
कंफर्टेबल और जिसे कहते हैं ना ग्रिपी आपको स्टेयरिंग मिलता है, सारे के सारे कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग के ऊपर ही मिल जाते हैं, तो आपको इधर उधर हाथ फेरना नहीं पड़ता। कोने पर यहाँ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले होने की वजह से जहाँ पर भी मुझको जाना है, तो आप ये सोचो कि मैं जस्ट इसमें नेविगेशन डाला और आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता राइट लेना है लेफ्ट लेना है जैसी चीज़ें। फ्रंट जो स्क्रीन है ये भी LCD है, कोई भी एनालॉग नहीं होती, तो इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेटिव जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो आपको ना कहीं पर भी इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता और रात को विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे आप लाइट्स ऑन करेंगे वैसे ही अपने आप हल्की से डिम हो जाएगी, तो आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं आ रही होती। हॉर्न की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा आपको हॉर्न मिल रहा होता है। चारों टायरों में डिस्क ब्रेक होने की वजह से जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी कार आराम से वहीं रुक जाती है। एक और बहुत अमेजिंग फीचर है वो है ऑटो होल्ड। अब ऑटो होल्ड होने की वजह से जब आप रेड लाइट पर रुकते हो या किसी भी ऐसी जगह रुकते हो तो आपको उसको आर में डालना नहीं पड़ता और न ही आपको लगातार ब्रेक प्रेस करना पड़ता। एडास जो फीचर हैं इसमें Level 2 एडास के सारे फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं। कुछ फीचर जो हैं वो आपको इस वाली कार के अंदर मिल रहे होते हैं, मतलब जो मिड वेरिएंट है उसके अंदर मिल रहे होते हैं, और कुछ वेरिएंट इसको आपको टॉप वेरिएंट में मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मिड वेरिएंट है इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती जो कि सिर्फ प्रीमियम कार्स में आती थी। हल्की सी रात होगी तो ये जो फीचर है इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। हल्की सी जो स्क्रीन है ये ड्राइवर ओरिएंटेड है, तो ये हल्की सी आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हल्की सी टिल्टेड हो, और उससे फ़ायदा ये होता है कि ड्राइवर का पर्सपेक्टिव जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर अंदर वाली साइज़ में आ रही होती है, तो इसको ना लेकर जब आप चल रहे होते हो MG ZS EV को, तो आपका ना सिटी ट्रैफिक और हाईवे पर ओवरटेक में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। सेम टाइम पर जो AC वेंट्स है, एक तो इंटीरियर दिखने में खूबसूरत है, साथ में AC वेंट का प्लेसमेंट इतना प्रॉपर है कि ये बिल्कुल आपके ऊपर ही आ रही होती है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ आपको वैनिटी मिरर जो है वो ड्राइवर साइड में मिल जाता है। सो दोस्तों ड्राइवर साइड पावर विंडो जो है वो तो आपको इसके अंदर ऑटो 1 touch down 1 touch up मिल रही होती है, बाकी जो चारों पावर विंडोज है वो आपको 1 touch down और अप आप नॉर्मली मैनुअली कर सकते हो। NTPH आपको सनरूफ और पावर विंडो स्विचेस मिल जाते हैं, मतलब बाहर विंडो मिल जाती है, स्विचेस तो क्या होंगे। और साथ ही के अंदर इस तरफ भी आपके पास में बहुत सारा स्पेस है सामान वगैरह रखने के लिए, तो आपके पास यहाँ पर भी कभी स्पेस है, नीचे की तरफ भी बॉटल्स वगैरह रखने के लिए स्पेस है। जब आप यहाँ देखते हो तो आपके पास सेलफोन वायरलेसली आप चार्ज कर सकते हो जो भी वायरलेस कंपैटिबल है, और उसी के साथ में यहाँ पर आपके एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB-C और USB-A मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास में और स्पेस मिलता है जिसमें आप बॉटल वगैरह बाकी चीज़ें रख सकते हो, और उसके साथ में आपको जो हैंडरेस्ट है हैंडरेस्ट के नीचे की तरफ भी आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप थोड़ा छोटा मोटा सामान और रख सकते हो। अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो कुल मिला के आपको इसमें 3 drive modes मिल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको। अब इको बना है जिसके अंदर आपका बहुत ही अच्छी रेंज आ रही होगी। इको की जगह अगर आप नॉर्मल में चलते हैं तो जब भी आप गाड़ी ऑन करते हो हरदम आपकी कार आपको नॉर्मल में ही मिलेगी। अगर देखा जाए तो नॉर्मल में भी आपको बहुत अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है, और स्पोर्ट्स में अगर आप एक्सेलरेशन की बात करो तो भाई लोगों जिसने भी ZS EV चलाई है ना MG की, वो यही कह रहा है कि भाई इससे तेज नहीं हो सकती कोई कार। सो इस तरफ हमारे पास दोस्तों जो पहला बटन है ड्राइव मोड का, जैसे आप उसको प्रेस करते हो वैसे ही वहाँ पे स्पोर्ट्स नॉर्मल जो जगह है वहाँ पर दिख रहा होता है। अब इसमें ना रेंज चेंज हो जाती है, तो पहला मोड जो ड्राइव मोड है उसके लिए बटन हो गया। उसी के पास में KERS है जिससे होता क्या है, यहाँ पर कोने पर आपका रीजनरेशन दिख रहा होता है। अभी रीजनरेशन Level 3 है, अब 2 है और अब 1 है। जैसे जैसे आप रीजनरेशन चेंज करते हैं वैसे आपकी कार की बैटरी जो है उसका बैकअप चेंज हो जाता है, और उसके पास में जो बटन है ये आपका बैटरी का हो गया। इसको आप टैप करेंगे और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये दिखा रहा होता है कि आपकी बैटरी के अंदर इस वक्त एनर्जी कितनी है। तो इस वक्त 75% हमारी बैटरी में पावर है। There is sunny, 32.8 degrees Celsius in June. तो दोस्तों 360 कैमरा का यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन दिखा देते हैं। सो अभी हमने जो गाड़ी पार्क कर रखी थी प्रॉपरली, इस तरफ आपके पास में जगह है जो कि आपको प्रॉपरली दिख रही होती है। अगर आप आगे लो, पीछे लो, जैसे साइड में भी लो, तो ये देखो मेरा टायर जहाँ पर भी मूव कर रहा है वहाँ से मुझे दिख रहा है। अब गियर शिफ्ट करने का बहुत बेसिक तरीका है, सबसे पहले आपको ब्रेक लगाना होता है, उसके बाद में बीच में रोटरी डायल है जिसको आपने डी में डाला तो डी में हो गया, आर में डाला तो रिवर्स हो गया। अगर आपको गाड़ी रोकनी होती है तो आपको सिर्फ पी दबाना होता है। तो हम सबसे पहले डी में डालते हैं, और जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से, वैसे ही कुछ चीज़ें और है जो कि MG ZS EV को और ज़्यादा
अमेजिंग बना देती है। सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे कि ऊपर की तरफ ना मैं गाड़ी साइड में हल्का सा रोक लेता हूँ, आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ दिखाता हूँ। आप ये सोचिए इस कार के अंदर यहाँ पर ना आपके पास में एक और एड ऑन एक USB पोर्ट मिल रहा होता है ताकि आप डैश कैम वगैरह लगाएं तो उसके लिए आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलती है सनरूफ। सनरूफ के लिए सिंगल टैप आप करेंगे तो सबसे बड़ी सेगमेंट की जो सनरूफ है वो कुछ इस प्रकार से खुल जाती है, लिटरली सेगमेंट की सबसे बड़ी साइज में आपको मिल रही होती है। यहाँ पर हमारे पास कर्टेन ओपन या क्लोज करने के लिए बटन और उसी के साथ में दो आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती है। यहाँ पर जो है ये वाली जो जगह या डिस्प्ले जिसके अंदर पैसेंजर एयरबैग लगे हुए नहीं लगे वो दिख रहे होते हैं। अब हम इस गाड़ी की आपको ब्रेकिंग चेक कराते हैं जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हैं तब इंस्टेंट आपको कहीं पर भी ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है। सो जैसे ही आप इसको चला रहे होते हैं एनी स्पीड, क्योंकि ये बहुत तेज चल रही होती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी बिना कहीं पर भी स्किड होए हुए वहीं की वहीं रुक रही होती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा होता है। अगेन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि अभी मैंने गाड़ी दौड़ाई और जैसे ही मेरी 55 पर मैंने ब्रेक लगाए तो मैंने पूरे के पूरे पैडल के ऊपर जिसे कहते हैं ना अच्छे खासा पुश देना वो मैंने दिया, मगर फिर भी मेरी जो गाड़ी है उसने ऑन स्पॉट वहीं की वहीं रुक गई है। अब दोस्तों ये वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर मुझे वेदर, नीचे की तरफ बैटरी, ऊपर एसी और साथ में मीडिया और बाकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मिल रही होती है। इंटरनेट इनसाइड होने की वजह से मेरी बहुत सारी जो स्ट्रेसफुल होता है ना चीज़ों को ढूंढना, कहाँ चार्जर है, मुझे कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ से ही पता चल जाती है और जिसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ इंटरनेट के थ्रू। और यहाँ पर जो स्क्रीन है इस स्क्रीन में मेरे पास में TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कितना पावर है, कितने किलोमीटर की आर की स्पीड चल रही है, ऑडोमीटर और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं जैसे अभी मेरे एक टायर में हवा कम है वो सारी डिटेल आपको यहाँ को देखने को मिल जाती है। दोस्तों इंटरनल लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो कंसोल है, जो गियर शिफ्टर है, वहाँ पर भी आपको हल्की फुल्की एक वाइट लाइट देखने को मिलती है। मोड्स और बाकी जितने बटन है यहाँ पर भी आपको लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर पार्किंग और ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का जो बटन है यहाँ पर भी लाइट, और साथ में जो आपके बटन्स है यहाँ पर भी आपको अलग से एक लाइट देखने को मिलती है। कोने पर ये जो है लॉक और अनलॉक के बटन, साथ के अंदर पावर विंडो स्विचेस, यहाँ पर भी आपको लाइट्स मिलती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप रात में ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको ना बटन्स प्रॉपरली विजिबल रहते हैं जिसकी वजह से आपका ड्राइव कंफर्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इको मोड के अंदर MG ZS EV जो है वो 0 to 100 कितनी देर में पूरी करती है, तो आप मुझे काउंटडाउन बताइएगा कि कितनी जल्दी आपको लगता है। 3, 2, 1, गो। सो गाइज इस कार के अंदर ये भी आपको एक फीचर मिलता है कि आगे की तरफ कोई भी कैमरा या कोई भी चीज़ होती है तो आपको पहले ही ये बता देती है। दोस्तों अब हमने हमारी ZS EV जो है वो नॉर्मल मोड में कर दी और अब आपको दिखाते हैं 0 to 100 कितनी जल्दी होता है। 3, 2, 1, गो। सो दोस्तों अब हमने हमारी कार को कराया है स्पोर्ट्स के अंदर और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि 0 to 100 एंड टॉप स्पीड कितनी देर में अचीव करती है। 3, 2, 1, गो। सो दोस्तों मैंने सोचा जब तक गाड़ी हमारी चार्ज हो रही है मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो दिल्ली से देहरादून मसूरी वाला जो मैंने पूरा रोड ट्रिप प्लान करा वो सिर्फ एक ब्रांड स्टैटिक के साथ में करा
जस्ट आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो, बहुत सारी और ब्रांड्स के यहाँ चार्जर लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पीछे की तरफ बीपी पल्स का यहाँ पर चार्जर लगा हुआ है, यहाँ पर टाटा पावर का लगा हुआ है, इधर की तरफ ग्लाइडा करके ब्रांड है उसका लगा हुआ है। और इसी प्रकार से जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमको बहुत सारे चार्जर मिले। बट अगर आप अपने रास्ते को प्लान कर रहे हो तो आप ये सोचो हम सिर्फ स्टैटिक के ही साथ में चारों तरफ घूमकर आ गए। एंड थैंक यू सो मच स्टैटिक, बहुत अच्छा हमको इन चार्जर से रिस्पॉन्स भी मिला, हमारी गाड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट चार्ज भी हो रही थी और चार्जर्स वेल मेंटेन्ड थे। अब सेकंड जो बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ईवी लेकर जा रहे हैं तो आप कई बार ना कॉशियस हो जाते हो रेंज से रिलेटेड। तो अगर कभी भी आपको ऐसी कोई चीज़ फेस करो तो उसमें आपको बेस्ट कौन सी सेटिंग्स काम में लेनी है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं टायर से। हरदम अपने टायर प्रेशर जो है वो हरदम परफेक्ट होना चाहिए। मैं इस गाड़ी के अंदर 40 PSI प्रेशर ले रहा था काम में, पहली बात। सेकंड चीज़, मैं जब भी मोड जो होता है उसके अंदर मैं हरदम इसको इको मोड में चला रहा था टू गेट द बेस्ट रेंज, जब मुझे रेंज चेक करनी थी गाड़ी की कि बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या रेंज दे रही है। अब आप कहोगे कि भाई साहब आपने एग्जैक्ट रेंज तो हमें बताई नहीं, तो बात यह है कि गाइज मैं बहुत जगह स्टॉपेज लिया, बहुत सारे लोगों से मिला और मैंने इस गाड़ी को हर उस तरीके से यूज़ करा है कि मैं 2 मिनट बाद भी कर रहा हूँ तो AC फुली चल रहा है, जो कि एक EV का बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट गाड़ी को फुल चार्ज करने के बाद में मुझे अप्रॉक्स 350 किलोमीटर की इसमें रेंज दिख रही थी और इको के अंदर 360 समथिंग भी मुझे कई बार इसने रेंज दी है। उसके साथ में जो रीजनरेशन मोड होता है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। मैंने इसके अंदर थ्री सेटिंग थी, जनरेशन रीजनरेशन का थर्ड सेटिंग वो काम में ले रहा था। अब उसका मुझे फ़ायदा पहाड़ों में भी मिला, जैसे कि आपने पहले देखा कि 53% से 55% मेरी कार वापस चार्ज हो गई जब मैं नीचे की तरफ उतर रहा था। उसी के साथ में सिंगल फुट ब्रेकिंग में भी उसका बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा होता है कि आपको ना बार बार एक्सेलेरेटर के साथ में ब्रेक प्रेस नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेरेटर पर ही ब्रेक छोड़, जैसे आप एक्सेलेरेटर छोड़ते हो वैसे ब्रेकिंग हो रही होती। तो पहला इको मोड में चलाएं, जनरेशन रीजनरेशन लेवल 3 रखें, टायर प्रेशर पूरा रखें, एंड क्योंकि इसमें एडास जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं तो आप क्रूज़ कंट्रोल में अगर 80 की स्पीड से चलाते हो तो गाइज आपको कार का बेस्ट ऑफ बेस्ट रेंज मिलेगी। अगर ये बात अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि और आपको क्या चीज़ लगती है इस कार के अंदर जिसकी वजह से रेंज और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप AC काम में न लें, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा प्ले ना करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, अगर आप वो सारी चीज़ें काम में नहीं लेंगे तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी रेंज और ज़्यादा एनहांस हो जाए। बट अगर नॉर्मली आप बात करें तो उन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं MG ZS EV की लाइट और कितना ऑल ओवर वो साउंड करती है आस पड़ोस के अंदर। तो जब आप यहाँ सुनते हैं तो सिर्फ आपको एक मोटर की आवाज़ अंदर से सुनाई देगी, दैट्स इट। आगे की तरफ जब आप देखते हैं तो फ्रंट की DRL और DRL के ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको LED प्रोजेक्टर और साथ के अंदर कुछ इस प्रकार के रिफ्लेक्टर बेस आपको लाइट देखने को मिलती है, बहुत ही खूबसूरत है। सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो आप यहाँ से बाहर से भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा थ्रो है। जैसे ही साइड में चलोगे वैसे ही इंटीग्रेटेड जो इंडिकेटर्स है ORVM पे वो आपको देखने को मिलते हैं। और पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार से दिखती है इसकी टेल लैम्प। सो कमेंट करके मुझे बताना कि ये टेल लैम्प वाली जो डिज़ाइन है ये आपको कैसी लगी। यहाँ पर हमारे इंडिकेटर्स, ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और कुछ इस प्रकार का लुक आता है पीछे का। अब ये तो रही गाड़ी की ऑल ओवर बाहर से दिखने की लुक्स की बातें, बाकी सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो हमने ट्राई कराए कि हम कवर करें। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। सो हमने दिल्ली से लेके देहरादून, देहरादून की पहाड़ियाँ, वो सारा टेरेन एक्सप्लोर करा इस व्हीकल के साथ में जो कि नॉर्मल इंसान नहीं करता है। सो इस पूरे के पूरे टेरेन के जो एक्सपीरियंस था वो हमारा कुछ इस प्रकार से रहा कि हमने वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी जो कि हमको करनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हाईवे के ऊपर गए और हाईवे के साथ के अंदर हम पहाड़ों वाले हाईवे जो थे वो भी हमने कवर करे, हमने नदी में भी गए और हर जगह पर ZS EV का एक्सपीरियंस करा। अब मैं आपको बताता हूँ ऑल ओवर कंक्लूजन। देखिए पहली चीज़, गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो जो भी अपनी गाड़ियों के अंदर चाहते हैं कि मुझे वो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस हो
उन लोगों को 100% MG ZS EV चलानी चाहिए, खरीदनी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम एक वो सेगमेंट भी ईवी खरीद रहा है जिनको पेट्रोल के दाम से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मगर वो लोग ईवी खरीद रहे हैं, वन परफॉर्मेंस के लिए, और दूसरा लग्जरी का एक बहुत बड़ा रोल है, वाइब्रेशन ना होना, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होना। और जब आप ईवी चला रहे होते हो तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। सेकेंड चीज, इसकी जो रेंज है ये इतनी अच्छी है कि मैं, आप ये सोचो, मेरे डेली रूटीन को छोड़कर मैं पूरा का पूरा ट्रैवल करने के लिए आया MG ZS EV से और मुझे सच्ची कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपको चार्जर ढूंढना आप डायरेक्टली देख सकते हो, जिसमें तो हमने सिर्फ स्टैटिक जो ब्रांड है उसी के ही चार्जर काम में लिए। उसके अलावा बहुत सारे वो ब्रांड्स हैं जिनके चार्जर और मैं काम में ले सकता था, पर मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रेंज, स्पीड, हाई स्पीड, किस मोड में कितनी टॉप स्पीड जाती है वो तो आप देख चुके हो। आई होप, अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पे अगर आपको MG ZS EV का एक्सपीरियंस लेना है तो आपके घर के आस पड़ोस में जो भी MG का आउटलेट हो आप वहाँ जाओ, गाड़ी का एक्सपीरियंस लो और हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। पूरी की पूरी MG ZS EV की सीरीज़ बैक टू बैक आप लोगों को मिलती रहेगी, प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पर देख लीजिएगा। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और अपने दोस्तों में सारे इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करिएगा।